हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और आज मेरा मेकअप है जो न्यू मेकअप है, और ये बहुत ही खूबसूरत समर मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो क्रिएट किया गया है। इसको मैंने पार्टी मेकअप के लुक पे भी जो है वो शो करना चाहूँगी कि ये पार्टी मेकअप के तौर पर भी आप आसानी से अपने फेस के ऊपर कर सकते हैं। डिटेल में मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो मेक किया है, हर चीज़ जो है कितनी क्वान्टिटी में और कौन सी मैंने यूज़ की है, अप्लाई की है, मैंने ये वीडियो में सब कुछ शो किया है। तो आई होप कि आपको मेकअप जो है वो वो पसंद आएगा, लाजमी पसंद आएगा। और चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त जो है वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँच जाए। चलें जी, अब मैं आपको अपने मेकअप की डिटेल बता दूं। ज़रा ये देखें कितना सॉफ्ट और आई मेकअप, खूबसूरत मेकअप मैंने ट्यूटोरियल क्रिएट किया है। इसमें आपको ब्राउन शेड नहीं दिख रहा होगा, इसमें आपको ग्रे शेड मैं करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप ग्रे शेड से अपने आई शेडो उसको खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा जी, मेकअप में जो है वो बेस देखें कितनी फ्लॉलेस बनी है, नेचुरल लुक दे रहा है बिल्कुल, जो है वो कोई भी फेक जो है वो इसमें कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, कोई मैंने इसके अंदर जो है वो एडिटिंग नहीं करी है, बिल्कुल नेचुरल जो है लुक है जो मैंने वो क्रिएट हुआ है वही मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो चलिए मेकअप को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपने फेस को जो है वो पहले से जो है वो मॉइस्चराइज़ कर लिया था, गर्मी हो या सर्दी हो, विंटर का वेदर हो, ठीक है, या फिर समर का, तो उसमें आपको फेस को तो अपने लाजमी मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं ये स्किन केयर में आपकी आती हैं। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, उसके अंदर आप वाइटामिन ई के जो है वो 2 कैप्सूल्स ऐड करें, उनको अच्छी तरह से ब्लेंड करें और उसके बाद अपने रात को फेस को वॉश करने के बाद जो है वो अप्लाई करें, तो इस तरह भी आपका स्किन केयर जो है वो डेली अपडेट रहेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है समर के वेदर में लगाने में कोई मॉइस्चराइज़र, तो आप जो है वो कोल्ड प्रेस भी ले सकते हैं मॉइस्चराइज़र, जो आपकी स्किन में फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन करती हूँ ताकि जो है मेरी जो बेस है, जो मेरा स्किन है वो मेरी बिल्कुल नेचुरल लगे और क्लीन रहे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी फेस को मेकअप से पहले मैं मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। अगर मैं वीडियो में दिखाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं थोड़े से प्रिपेयर कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आती हूँ अपनी आई बेस पर। तो आई बेस जो मैं इस वक्त बना रही हूँ वो अपनी एज़ यूजल मैंने एक स्टिक है जो क्वार्टर में मैंने बाई करी है, तो उसके जो है वो क्रालन टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 उसका नंबर है, तो उससे जो हूँ अपनी आई की जो बेस है, आई शेडो की जो बेस होती है आई मेकअप के लिए, तो उसकी जो बेस है मैं इसी से क्रिएट करती हूँ। ये देखिए मैंने किस तरह से ब्रश की हेल्प से अपनी आई बॉल को अच्छी तरह से मैंने जो है वो ब्लेंड किया है, तो इस तरह से हमारी नीट हो गई है बिल्कुल, कलर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, फ्लॉलेस हो जाता है। अभी मैंने अपनी आईब्रो मेक नहीं करी है, तो मैं उसी से स्टिक से जो है जो ब्रश में मैंने अप्लाई करी हुई है उसको मैं अपनी अपनी आईब्रो के ऊपर जो है वो इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो है आपकी आई शेडो की बेस, एक कंसीलर, फाउंडेशन, आई शेडो की बेस, इससे ही आपका मेकअप जो है वो परफेक्ट लुक देता है, एक प्रोफेशनल लुक देता है। अगर वही आपको अच्छे से करना नहीं आएगा तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने मेकअप को सेट करना। देन इसको ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के हल्के मैंने टैप कर देना है, अच्छा ये आसानी से आपका ब्लेंड हो जाएगी, इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा, बशर्ते कि आपका फेस मॉइस्चराइज हो या फिर प्राइमर यूज़ करें, कोई भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल हो जो आप आसानी इजीली कर सकते हैं वो आप ज़रूर यूज़ करें। अगर कुछ नहीं तो आप बेबी लोशन भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका फेस मॉइस्चराइज हो जाएगा, और वेट टिश्यू से आप उसको साफ़ कर लें, चेहरे को क्लीन कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमने अपने ये जो है क्या कहते हैं मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है उससे मैंने अपनी थोड़ी सी जो है आई बेस को जो है वो फिक्स कर लिया है, अपने आई के ऊपर भी लगा लें, अंडर आई ऊपर जो है अपने आई बॉल के ऊपर और ऊपर भी अप्लाई कर लें। गर्मी बहुत है, गर्मी का वेदर है तो मैं थोड़े से अपने बालों को ज़रा सेट कर लूँ, फ़ैन ऑन है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। समर का जो मेकअप होता है वो काफ़ी उसको हैंडल करना, उसको अपनी स्वेटिंग से जो है वो बहुत काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर तरीके से टेक्निक से किया जाए तो सब कुछ किया जा सकता है। अच्छा, ये मेरी 120 शेड की आई शेडो पैलेट है, इसमें सारे एवरी कलर्स मौजूद हैं, आपको दिख रहा होगा, वेलवेट शिमर शेड भी हैं, मैट फॉर्म में भी हैं, तो मैं ज़्यादातर अपनी आई शेडो के लिए यही यूज़ करती हूँ। अब इसमें से मैं आपको शेड दिखा दूँ, एक ये वाला ब्राउन शेड मैट फॉर्म में और एक ये इसमें से पीच शेड, ये दोनों यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। उसके बाद अपना स्मोकी एरिया है वो मैं आज ग्रे से बनाऊंगी, आज हम ग्रे मैट फॉर्म में आई शेडो यूज़ करेंगे, कि कौन से शेड के ऊपर कितनी क्वांटिटी में लगाना है ये मैं आपको वीडियो में
दिखाऊंगी, शो करूंगी। सबसे पहले हमने पीच वाला शेड लाइट शेड लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने मिरर को हाथ में ले लूँ, ठीक है। अब हम अपना मेकअप शुरू करते हैं। तो मैंने उसको अपनी क्रीज पर जो है वो ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली ब्लेंड करते जाएं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है लेकिन डिटेल में ट्यूटोरियल जो है बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मैंने बीच में से कोई कट नहीं करी, ट्रिम नहीं करी, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से ही देखें, आपको इस तरह ब्लेंड करते जाना है। जब आप अच्छी तरह से देखने के अपनी आई की क्रीज पर जो है वो ब्लेंड हो गया है लाइट शेड, ठीक है, उसके बाद हम अपने जो है वो ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट शेड पर आ जाएंगे। ये देखें, अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट शेड। ये हमने ब्राउन शेड लिया है जो मैंने आपको आई शेडो में पैलेट में दिखाया था, डार्क ब्राउन वाला शेड। अब वो मैं इसको अपनी क्रीज पर ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से अपनी आईज़ की क्रीज पर ऐसे ब्लेंड करते जाएँ, शेड आपका खुद ब खुद डार्क होने लगेगा। यह आप नाइट पार्टी में भी कर सकते हैं, डे मेकअप में भी कर सकते हैं, या किसी के ओकेजन है कोई तो उसके भी आसानी आप अपने घर पर ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट हो। एक्चुअली जो लाइट ब्राउन एंड ये पीची शेड जो होते हैं मैट फॉर्म में, ये प्राइमरी शेड कराते हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर पैलेट में आपको मिल जाते हैं। हाँ, अगर ग्लिटर की आई शेडो पैलेट होगी तो उसमें थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें खाली ग्लिटर शेड होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आई शेडो पैलेट्स होती हैं, छोटी पैलेट हों या बड़ी हों, वो आपको मिल जाएंगी इसमें शेड। बड़ी में तो ऑलमोस्ट होते ही हैं, छोटी में भी आपको पैलेट में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से अप्लाई कर लिया है। हाँ, ये है कि अगर अच्छी आप क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी की पैलेट लेंगे तो उसकी पिगमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो पिगमेंटेड होते हैं शेड, बहुत अच्छी तरह से अप्लाई होते हैं, डस्ट ऑफ नहीं होते, झड़ते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं, ग्रे लुक में नहीं आते, ब्लैक शेड नहीं देते। अच्छा जी, अब हमने देखा आपने कि मैंने किस तरह से प्रॉपर जो है वो शेड दोनों ब्लेंड किए हैं। अब आ जाएंगे हम अपने ग्रे शेड पर। ये देखिए, ब्रश मैंने ग्रे शेड लिया है। ग्रे शेड लेने के बाद मैं इसको अपने स्मोकी एरिया पर ब्राउन शेड के ऊपर जो पीच शेड था उसी के ऊपर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, ये ग्रे शेड की क्वान्टिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। ये शेड जो है वो दिखने में आपको वैसे ग्रे लग रहा है लेकिन ये है लाइट, काफ़ी इसकी कवरेज लाइट है, ठीक है, इसकी पिगमेंटेड जो है काफ़ी लाइट है। ये देखें, ग्रे शेड इस तरह से लगाना है, थोड़ा सा आपको आउटर की तरफ इसको ब्लेंड करना है, आउटर की तरफ अच्छी तरह से ब्लेंड करते जाएं, देखते जाएं कि दोनों आईज पर बिल्कुल सेम आई शेड आपका अप्लाई हो रहा है। मिरर आपके सामने होना चाहिए, कोशिश करें कि आप थोड़ा मिरर बढ़ा लें या फिर 10x मिरर जो होता है वो ले लें। 10x मिरर उसका फ़ायदा ही होता है कि आपको मिरर आपका दूर भी होगा तो आपको उससे जो है वो करीब से आपको दिख जाएगा। ये देखें, उसके बाद मैं ये वेलवेट शेड ले रही हूँ, शिमर वाला, ये पिंक शेड लेना है, इसको मैंने अपनी फिंगर से लेना है। ये देखें, फिंगर से लेने के बाद इसको अपने आई के ऊपर जो है वो ऐसे अप्लाई करेंगे, अपनी जो आईबॉल एरिया है मैं फिंगर से ही टैप करके अप्लाई कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेकअप जो अच्छे से समझ आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ग्रो करने में, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट और ऑडियंस के जो है वो अप्रिशिएट के बगैर जो है वो कोई भी चैनल जो है कोई भी ग्रो नहीं हो सकता। ताकि मेरा जो है वो मोटिवेशन हूँ मैं, ताकि और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ क्रिएट करूँ किसी भी टॉपिक पर, किसी भी आपको इशू पर, कोई भी चीज़ पर वीडियो आपको देखनी हो या किसी भी ओकेशन पे, किसी भी ट्यूटोरियल पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सारे मेरे सोशल लिंक के थ्रू आपको इसी चैनल के अबाउट में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, किस तरह से मैंने प्रॉपर जो है वो अपनी आई बॉल एरिया पर शेड अप्लाई किया है। अब थोड़ा सा मैंने फ्लैट ब्रश ले लिया, फ्लैट ब्रश से मैंने अपने आई शेडो जो है वो अप्लाई कर लिया है। ये देखें, देन मैं अपनी आईब्रोज़ को जो है वो पेंसिल से कर रही हूँ नीट। अच्छा, आज मैं जो है वो पोमेड यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे कंफर्टेबल इससे लग रहा है। देन मैंने फिट मी का मेबलिन जो कंसीलर है वो लिया है, मेरे अपने स्किन के अकॉर्डिंग है, इसको मैं अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, आप अपने कोई भी स्किन के अकॉर्डिंग आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, मुझे ये काफ़ी सूट करता है तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। उसके बाद मैं ब्रशेस को स्प्रेड कर दूंगी, सॉर्ट आउट करूंगी ताकि अच्छे से ये जो है अपनी जो अपनी अंडर आई एरिया है वो हमारा जो है वो नीट हो जाए, शाइन करने लगे, डार्क सर्कल हमारे रिमूव हो जाए। ये देखें, आई होप कि आपको मेकअप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखें, जहाँ तक आप इसको जो है वो फैला सकते हैं, इसको ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, कर लें अच्छी तरह से, ठीक है।
फिर ये थोड़ा सा हल्का सा ड्राई हो जाएगा, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो लूज़ पाउडर जो है वो ब्रश से लेके लगा लिया है। चलिए जी, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट वीडियो में आप इंशाल्लाह दूसरा